किसी के पुराने रिकॉर्ड, किसी का मेरा नहीं ख्याल, कोई एक आधा शायद बचा हो। जाहिर है अब जो नए आ रहे हैं लड़के, तो जाहिर है वो विले तो नहीं आ रहे, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी। बाकी जैसे उसने बॉलिंग की है ना बांग्लादेश के खिलाफ, तो मैं देख रहा था पेस अच्छी कर रहा था उसने, उनको डांस करवाया बांग्लादेश बैट्समैन को ना, कभी इधर कभी यहाँ से, कभी लेग साइड कभी, और विकेट भी ली, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मे भी शायद इमरान मलिक तो स्टार ही है। देखिए इमरान मलिक भी अब कोई ना कोई रिकॉर्ड बना के जाएगा। बैटिंग का कुछ नहीं कह सकते, पाकिस्तान है, 100 पे भी आउट हो जाएगी। सिर्फ स्पीड नहीं है क्रिकेट, जिस तरह आपने देखा विराट कोहली ने किस तरह 148 पे हारे स्वरूप को आखिरी दो छक्के लगे थे, वो किस तरह उसने मारा। ये रिकॉर्ड तोड़ भी दे तो कोई कौन सी बड़ी बात है, वैसे कोई तोड़ तो नहीं पाएगा ऐसे, ये मुझे लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट का नाम में। दोस्तों सोबेक्त ने उमरान मलिक को लेकर एक बड़ी बात कह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस स्पीड से उमरान मलिक अभी बॉलिंग कर रहा है, आगे चलकर यह मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड शोएब अख्तर के नाम है, जिन्होंने 163 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गेंद फेंकी थी, जबकि उमरान मलिक अभी तक 156 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गेंद फेंक चुके हैं। शोएब के इस बयान को लेकर पाकिस्तानी जनता का क्या कहना है, सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शोएब अख्तर ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि उमरान मलिक आने वाले वक्त में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाएगा, और उन्हें लग रहा है कि कहीं वो 161.3 का मेरा रिकॉर्ड ना तोड़ दे। क्या लगता है आपको, तोड़ पाएंगे? मेरा ख्याल है कि जितने अभी ये नए लड़के आ रहे हैं ना, मतलब उनकी गेम देख के लग रहा है कि उनमें दम है, और आई गेस कि वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, पॉसिबल है शोएब? वो ऐसी बात नहीं कह सकते, बड़ी लेजेंड है, वो हो सकता है, पॉसिबल है। क्या कहेंगे आप, तोड़ सकते हैं उसका रिकॉर्ड? यार बिल्कुल तोड़ सकता है, अब क्रिकेट फास्ट हो चुकी है। जब उसने बनाया था तब तो डेड पिचेस होती थी ना, अब तो क्रिकेट भी बहुत फास्ट हो गई है, पिचेस भी फास्ट हो गई है। अब न्यूजीलैंड में अगर चला जाए हमारी सीरीज जैसे वो आई हुई है, वहाँ की पिच तो बहुत फास्ट है, उस पर क्यों नहीं हो सकता? अगर वो यहाँ डेड पिच पे इतना मार रहा है तो वहाँ तो बिल्कुल ये कर सकता है। बाकी जैसे उसने बॉलिंग की है ना बांग्लादेश के खिलाफ, तो मैं देख रहा था पेस अच्छी कर रहा था उसने, उनको डांस करवाया बांग्लादेश बैट्समैन को ना, कभी इधर कभी यहाँ से, कभी लेग साइड कभी, और विकेट भी ली, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मे भी शायद, लेकिन अपने हारिस रऊफ को भी ना भूलो, हारिस रऊफ भी तोड़ सकता है। नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो अभी IPL खेल रहे हैं, उनको बहुत कम सीरीज खिलाई जा रही है, तो बंदा खेले तभी रिकॉर्ड तोड़ता है, वैसे बहुत कम चांसेस है। उन्होंने कल के मैच के दौरान 56 का बॉल किया है, उसके बाद शोएब अख्तर ने ये कहा? नहीं, वो एक आध होती है फिर वो बस निकल जाती है, हर पेस नहीं, मैक्सिमम 150 निकाल लेगा बस, और ज़्यादा नहीं निकालता इतना, 153। मुझे तो लगता है कि वो कर सकता है, मतलब उसकी, हाँ मैंने भी उसकी गेम देखी है, और वैसे इंडियन मीडिया जो है ना, मतलब वो जो सोशल मीडिया बेसिकली, वहाँ पे तो उसकी बड़ी वो हो रही होती है कि ये एक नया जो है ना इनके पास बंदा आ गया, तो अब इसे भी बचना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। एंड पे कोई मैसेज देना चाहोगे इमरान मलिक को? इमरान मलिक को यही मैसेज है, करे मेहनत, करे रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्यों नहीं तोड़ सकता, रिकॉर्ड बनते ही इसलिए कि तोड़े जाएं। तो बस यही है कि स्ट्रगल करें, हार्ड स्ट्रगल करें, किसी और को भी आने दे भाई, रिप्लेस करें, अब सब वही तो ना रिकॉर्ड चलते रहे। मतलब तो स्टार ही है, क्योंकि उसकी पेस निकल रही है, जो वो आगे अचीव करेगा उसके साथ वेरिएशन आएगी, इन स्विंग आएगी, आउट स्विंग आएगी, अभी तो पेस बैंक रहा है, लेकिन नेचुरल जो है, असल में बंदे का एक नेचुरल स्विंग होता है, या आउट स्विंग होता है, इन स्विंग होता है, राइट आर्म बॉलर जो होता है उसका मैक्सिमम जो आउट स्विंग होता है, राइट ही की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए दोनों पे कंट्रोल करना है, वक्त लगेगा, और ये दोनों पे कंट्रोल पाएगा, उसके साथ पेस भी होगी तो बहुत अच्छा बनेगा। जिस तरह ब्रेटली था, वो वक्त का बहुत अच्छा बॉलर था, शांटेड भी था, लेकिन शांटेड भी उस तरह नहीं था, लेकिन ब्रेटली का ज़माना जो था वो उस पर होल्ड भी था, पेस भी थी उसके 148, 147, 150 से अबव फेंकता था, लेकिन उसके साथ फेस के साथ भी। सिर्फ स्पीड नहीं है क्रिकेट में, क्योंकि स्पीड होगा, जिस तरह आपने देखा विराट कोहली ने किस तरह 148 पे कि 145 बॉल पे जो हारे स्वरूप को आखिरी दो छक्के लगे थे, वो किस तरह उसने मारा, बैक फुट पे गुडलिन से उसने सीधा उठाया, लेकिन उसको देख लेना, उसके पास पेस है, लेकिन हारे स्वरूप तो डेथ ओवर में आजकल उसका सानी कोई नहीं है। बहुत मिलेगा, हम तो क्रिकेट लवर है ना, हमें तो कोई कंसर्न नहीं है ना किसी इंडिया से या इनसे कि इंडिया क्या है क्या नहीं है, हमें तो क्रिकेट से, हम तो उस लेवल से देखते ही नहीं है उनको, जैसे वो वहाँ कंट्रोवर्शियल बहुत, ये कंट्रोवर्सी बहुत है ना इंडिया पाकिस्तान वाली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सीन है कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। फास्ट बॉलर के लिए नहीं, फास्ट बॉलर जो अच्छा फास्ट बॉलर उसके लिए होना चाहिए कि उसके थाइस बहुत स्ट्रांग हो, थाइस पाँव पे बहुत काम करना चाहिए, एक शोल्डर, ये दोनों चीज़ें जो फास्ट बॉलर के लिए बहुत अहमियत रखती है, अगर
और आप शुएब अख्तर को देख लें, जिसकी उस जिस तरह उसकी जसामत है माशाल्लाह, वो उसकी जसामत बहुत अच्छी है और एज़ कम्पेयर, लेकिन कोशिश करेगा, मुश्किल है उसके लिए टास्क, लेकिन सिर्फ स्पीड नहीं है ना, क्योंकि आप शुएब अख्तर की भी वो देख लेना, शुएब अख्तर की स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन उसकी जो एवरेज है ओवर में वो भी ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ स्पीड नहीं है आजकल।